लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हरियाणा में बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते दिखाई दिए। खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग है। हालांकि हरियाणा में 25 मई को मतदान है, लेकिन इससे पहले सूबे में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट हो गई है, क्योंकि यहां पर सभी पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा से डॉक्टर सुशील गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल को चुनावी रण में उतारा है। इसके चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिबा फूले ने अपना सारा जीवन गरीब पिछड़े लोगों को समर्पित किया। इसी से प्रेरित होकर वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रदेश में एक मुश्त कमल का फूल खिलेगा। जो भी आप लोगों ने हमारे काम को ध्यान में लगाया है, हमने मिलकर के उसको पूरा करने का कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा था और आप लोगों के बीच से ही उस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे स्नेह करती है, मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रेम करते हैं, भाइयों ये उसका परिणाम है। महात्मा ज्योतिबा फूले राज्य स्तरीय जयंती में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक और चिंतक थे, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए जो कार्य किया वो आज भी प्रेरणा स्रोत है। भौतिक निर्माण के साथ साथ व्यक्तिगत निर्माण में ऐसे महापुरुषों की सीख युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। आज का अवसर एक इतिहास की उस गाथा को याद करने का अवसर है, जब इस देश में गरीब समाज का कोई भला चाहने वाला विरला ही होता था, समाज सुधारक इस नाते से भी कोई कोई नाम होता था, महिलाओं की शिक्षा का विरोध होता था। ऐसे समय में महाराष्ट्र में जन्मे, जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम ज्योतिबा फुले के नाम से हम जानते हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन किया और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मैं यही कहूंगा, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने किस प्रकार से महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने पाठशाला बनाई, सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी को श्रीमती ज्योतिबाई फूले को किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। आज मैं ये कहूँगा, हमारे बीच में पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी आए हुए हैं, ये हम सबके मार्गदर्शन है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, उन्होंने किस प्रकार से बहुत बड़ा त्याग दिया, ऐसा त्याग को जाके संगठन को जाके कहा कि मैं आगे अपने जो बच्चे हैं युवा को आगे लाना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर एक आदमी, मैं कहूंगा मल्ले की कुर्सी नहीं छोड़ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर ऐसा त्याग किया और कहा भाई नायब सिंह सैनी जी को आज मुख्यमंत्री। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। हालांकि हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।